तिलौथू थाना से घटना के संबंध में बताया जाता है कि चंदनपुरवा गांव निवासी युवक नंदलाल गुप्ता जो खेत में पटवन करने गया था, जिसकी शव के खेत समीप झाड़ी से मिलते ही गाँव में कोहराम मच गया। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही तिलौथू थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेते हुए कार्रवाई जुट गई। इस संबंध में मृतक के पिता धीरेन्द्र शाह ने बताया कि उसका बेटा नंदलाल गुप्ता अपने खेत में पटवन करने के लिए घर से निकला था, लेकिन काफी समय बाद भी घर नहीं लौटा, तो स्थानीय पुलिस को सूचना देते हुए बेटी की खोजबीन शुरू कर दी, जहां पुलिस ने झाड़ी से शव को बरामद किया है। वही पिता ने बताया कि उसके पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया है। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपते हुए कार्रवाई में जुट गई है। अच्छा, कैसे घटना हुआ है? अपना धान पटाने गया था बोरिंग अपना पाइप, वहीं पर से 8 बजे रात के गए, दिन भर खोजने लगे तो पुलिस लोग खोज के लाया, ऊपर से सभी रिपोर्ट चल गई, खाड़ी में बीगा हुआ था। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुआ होगा? कैसे मौत हो गया है? कोई मार लिया टंगा उंगा ले, 3-4 जगह खत। कौन गांव का मामला है? चंदपुरा जी। क्या नाम है मृतक के? नंदलाल गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदपुरा के। कौन था नाम पड़ता है? तिलौथू। कितना उम्र होता होगा? उम्र है उसको 40। आप कौन है? पिताजी। क्या नाम है? धीरेन्द्र साहब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।